नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए। दूसरी लहर में कोरोना ने युवाओं पर किया तीखा प्रहार। सांप ने काटा, ट्रक ड्राइवर ने जहर चूसकर बचाई जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीर के नेताओं की बातचीत में आखिर क्या निकला। स्ट्रॉबेरी चांद की तस्वीरें नासा ने की जारी। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति का क्यों कटा चालान। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर एम्स के डॉक्टर्स ने एक स्टडी की है, जिसमें पाया गया कि कोविड की वजह से एम्स के आईसीयू में एडमिट बुजुर्गों से ज्यादा 50 साल से कम उम्र के मरीजों की मौत हुई। एम्स के आईसीयू में 247 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 42.1% मरने वालों की उम्र 18 से 50 साल के बीच पाई गई। साथ ही स्टडी में बताया गया कि जिन भी लोगों की मौत हुई उनमें 94.74% ऐसे लोग थे जो कि एक या उससे ज्यादा बीमारी से पीड़ित थे। सिर्फ 5% ऐसे लोगों की मौत हुई जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं थी। ये कोविड के पहले फेज की स्टडी है, जिसमें 50 साल से कम उम्र वालों की मौत का आंकड़ा बुजुर्गों से ज्यादा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह है कि 50 साल से कम उम्र के लोग किसी न किसी कोमॉर्बिडिटीज का शिकार थे, जिसकी वजह से उनमें बीमारी सीवियर होती गई और मौत का खतरा भी ज्यादा होता गया। एम्स में ये स्टडी 4 अप्रैल के आसपास में की गई। कुल 654 मरीज आईसीयू में एडमिट हुए थे, जिनमें से 227 यानी कि 37.7% की मौत हो गई। स्टडी में 65% पुरुष थे। मध्य प्रदेश के बैतूल में ट्रक ड्राइवर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक युवक की जान बचा ली। दरअसल बैतूल में एक 20 साल के युवक को सांप ने काट लिया। ट्रक ड्राइवर ने देखा कि युवक को सांप ने काट लिया है, तो उसने बिना समय गवाए अपने मुंह से सांप का जहर चूसकर बाहर निकाल लिया। मुंह से जहर चूसने के बाद ट्रक ड्राइवर रोहित भी बेहोश हो गया, पर युवक की जान बच गई। ये मामला बैतूल के खंजनपुर इलाके का है, जहां पर देर रात 20 साल का तुषार मिश्रा घर के अंदर बाइक रख रहा था। उसी दौरान सांप ने उसके पैर की उंगलियों पर डंक मार दिया। सांप के डंक मारने पर पूरे घर में राम मच गया और पड़ोसी इकट्ठा हो गए। उसी दौरान रास्ते से गुजर रहे ट्रक ड्राइवर ने भीड़ को देखा और रुक गया। तब उसे पता चला कि लड़के को सांप ने काट लिया है। ट्रक ड्राइवर ने बिना देरी किए ब्लेड से सांप के डसने की जगह पर चीरा लगाया और जख्म को चूसना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद तुषार के परिजन दोनों को ही अस्पताल लेकर गए, जहां पर ट्रक ड्राइवर रोहित बेहोश हो गया। डॉक्टर्स ने तुरंत ही उसे एंटी स्नेक वेनम लगाकर उसकी जान बचा ली। दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। पीएम आवास पर यह बैठक करीब 3.5 घंटे चली। बैठक में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा कि वो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक मेज पर बैठने और विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता में है। वहीं बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने कहा, आज अच्छे माहौल में वार्ता हुई, सभी ने विस्तार से अपनी बात रखी। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जेएनके को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द वापस मिले, साथ ही वहां विधानसभा चुनाव जल्द कराए जाएं, कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाए। वहीं पीडीपी नेता मुजफ्फर हुसैन बेग ने बताया कि बैठक में कहा गया है कि 370 खत्म करने का फैसला जम्मू कश्मीर विधानसभा के द्वारा होना चाहिए था, लेकिन पीएम ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने पर सीधे कुछ नहीं कहा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने बैठक में पीएम मोदी से कहा कि अगर आपको धारा 370 को हटाना था तो आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा को बुलाकर इसे हटाना चाहिए था। इसे गैर कानूनी तरीके से हटाने का कोई हक नहीं था। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक से निकलने के बाद हमने मीटिंग में 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा 370 को खत्म करने के फैसले को स्वीकार नहीं करने की बात कही। हम अदालत के जरिए 370 के मामले पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें कि धारा 370 को हटाए जाने के करीब 2 साल बाद केंद्र सरकार की ओर से राज्य के नेताओं के साथ बातचीत की गई। नई दिल्ली में पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सुपर मून स्ट्रॉबेरी का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस मौके पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने तस्वीरें जारी की। नासा ने यह भी बताया कि सुपर मून को स्ट्रॉबेरी मून क्यों कहते हैं। नासा की तरफ से कहा गया कि कई सभ्यताओं में इसे फुल मून कहते हैं, हालांकि नाम अलग अलग हैं। हम सब इस बात से सहमत हैं कि जून का फुल मून बेहद प्यारा नजर आता है। स्प्रिंग का अंतिम फुल मून या फिर समर का पहला फुल मून स्ट्रॉबेरी कहा जाता है। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस समय स्ट्रॉबेरी फल की फसल कटने लगती है। आपको बता दें कि उत्तरी अमेरिका के एल्गोनक्विन आदिवासियों ने इसका नाम स्ट्रॉबेरी मून रखा था, क्योंकि उसी समय उत्तरी अमेरिका में स्ट्रॉबेरी फल को काटने का समय होता है। स्ट्रॉबेरी मून को हॉट मून, हनी मून और रोज मून भी कहा जाता है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी का चालान कटा है। 23 जून की सुबह रॉबर्ट वाड्रा सुरक्षा कर्मियों के साथ बारापुला से सुखदेव विहार अपने ऑफिस जा रहे थे, तभी उनकी कार ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से पीछे चल रही कार से उनकी टक्कर हो गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी का चालान कर दिया। पुलिस ने चालान मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत किया है। जिस वक्त ये घटना हुई रॉबर्ट वाड्रा खुद भी गाड़ी में मौजूद थे। राहत की बात यह है कि हादसे में सभी लोग बाल बाल बच गए और हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।